अभी विशाले बयान की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, तो अबू आजमी पे क्या बोलेंगे आप फराज साहब? देखिए पद्मजा जी, पहले तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अबू आसिम साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि हिंदुओं की ये हिम्मत नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता है। तो थोड़ा सा ये करेक्शन आपको अपने उसमें करना होगा, हिंदुओं का कहीं उन्होंने नाम नहीं लिया था। दूसरी बात, अबू आसिम साहब का जो भाव था वो नीलेश राणे की बदतमीजी, उनकी गुंडागर्दी को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने का भाव था। वो कह रहे थे कि हमारे जब विधायक आ जाएंगे, जब हमारे विधायक आ जाएंगे तो हमारी ताकत विधानसभा में बढ़ जाएगी, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से वो अपने समाज की रक्षा करेंगे। इसमें कौन सी ऐसी बहुत बड़ी आफत आ गई? तो उसमें 10 विधायक होने की क्या जरूरत है? आप एक विधायक से भी ये कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से रक्षा। ये तो मतलब स्ट्रेंथ इन नंबर्स वाला मैसेज था ना? नहीं देखिए, सब कुछ हिडन ही होता है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। जब आप कह रहे हैं कि अभी हम दो हैं फिर 10 हो जाएंगे, रक्षा के लिए तो एक आदमी बहुत होता है, उसमें तो विधायक होने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, अरे पद्मजा जी क्यों? जब तक के हमारे विधायक नहीं होंगे, हमारे सांसद नहीं होंगे, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमको नहीं लड़ने देगी। अच्छा, मैं एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। गुरु प्रसाद जी ने अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के बारे में बात की, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्लियामेंट में यह स्टेटमेंट दिया था कि जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैंक्शन पोस्ट थी उसमें जनरल कैटेगरी का तो भर दिया गया, लेकिन गुरु प्रसाद पासवान जी के जो लोग थे उनको नहीं भरा। क्यों? अगर आप प्रोफेसर की वैकेंसीज की बात करिएगा तो जनरल कैटेगरी लगभग 80-90% से भर दी, लेकिन जो SC ST OBC थे उनकी सैंक्शन पोस्ट भी 20 से लेकर 25% या एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, उसको भी नहीं भरा गया। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये क्लियर कट एक डिस्क्रिमिनेशन है पद्मजा जी, जो कि आजादी से पहले चलता चला आ रहा है और आजादी के बाद भी चल रहा है, क्योंकि बार बार मैं ये कटिंग दिखा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहती है कि देश का SC ST और OBC जो है वो देश के गटर साफ करे, वो देश के टॉयलेट साफ करे, लेकिन जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो PDA क्रांति है अब वो ऐसा नहीं होने देगी। SC ST OBC इस देश में जो है अब वाइस चांसलर बनेगा। मैं एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन पूछूं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को 2 नहीं 10 विधायक चाहिए महाराष्ट्र में संविधान की और मुसलमानों की रक्षा करने के लिए। वहां तो 44 कांग्रेस के भी MLA हैं। आप कह रहे हैं कि वो 44 कांग्रेस के MLA नहीं रक्षा कर रहे हो उनकी और संविधान की? देखिए कोई भी पार्टी हो पद्मजा जी, कोई भी पार्टी हो, अब आप बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के तो 2 विधायक हैं, तो क्या कांग्रेस को ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वो अपना जनाधार बढ़ाए? तो क्या समाजवादी पार्टी को ये लोकतांत्रिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में नहीं दिया कि महाराष्ट्र में अपना जनाधार बढ़ाए? ठीक है, वो एक लाइटर वेन में था, पर आखिरी के एक मिनट में देना चाहती हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी को। जब माहौल की बात की जा रही है, ये अच्छा लगता है कि आप कह रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से हर्षवर्धन जी कहा जा रहा है कि हर किसी को मिल बैठ के काम करना चाहिए, हर किसी को एकत्र रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। पर फिर एक नाम सामने आ जाता है साबिर मलिक का। 27 अगस्त को उनको लिंच कर दिया गया चरखी दादरी हरियाणा में, और अब कल रिपोर्ट आती है पुलिस की कि जिसको गोवंश का मांस समझ करके उनको लिंच किया गया था वो गोवंश का मांस था ही नहीं। तो माहौल तो देश में ऐसा कुछ है ना, किस वजह से? अगर इस नारे की वजह से नहीं तो किसी और चीज की वजह से? नहीं पद्मजा जी, ये गंभीर प्रश्न है, और अगर कहीं पर ऐसा मसला आता है कि किसी को इस वजह से मार दिया जाए, पीट दिया जाए कि कोई मांस खा रहा था उसमें गोवंश है क्या, तो ये सचमुच पीड़ा देने वाला है। लेकिन यहाँ कुछ बातें बहुत, जिसको कहने कि लोग दबा छिपा के बोलते हैं, क्या हरियाणा के बहुत से ऐसे इलाके नहीं हैं जहाँ खुलेआम, जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ खुलेआम इस तरह के काम होते हैं जो हिंदू भावनाएँ भड़काते हैं? क्या हमने मेवात में नूह में वो देखा नहीं था उस मंदिर पर जो सामान्य कलश यात्रा थी जहां कोई आबादी नहीं थी, तय करके घेर करके लोगों को मारा गया? मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये गड़बड़ है, हमें उस मेंटेलिटी से बाहर निकलना है। और हमें, जब मैं कह रहा हूं तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कोई हिंदू निकले, हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट पाकिस्तान बना उस दिन से है। फिर जब कोई आदमी वो पाकिस्तान को देखकर बात करने लगता है, इस्लाम की कुछ चीजें लेकर हिंदुस्तान में करने लगता है,
तो मुश्किल होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले भी कहा, आज भी कह रहा है कि हम इस देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनको भी उसी तरह के अधिकार हैं, वो प्रयास भी कर रहे हैं। संघ से निकलकर एक प्रचारक इंद्रेश कुमार ने तो बाकायदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलाया है, इससे ज्यादा क्या कर देंगे? अब आप एक तरफ तो कहते हैं कि नहीं नहीं वो सब गड़बड़ कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि उनका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उस पर भी आप सवाल खड़ा करेंगे, उसकी वजह से जो बहुत कट्टर हिंदूवादी लोग हैं वो कहते हैं कि संघ देखो संघ भी मुसलमानों को लेना चाह रहा है। हिंदू एकता संघ करेगा वो उसकी स्थापना के मूल लक्ष्य में है, लेकिन मुसलमान इस देश का उसी तरह से नागरिक है जैसे कोई दूसरा। संस्कृति इस देश की एक है, उसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, संदेश बहुत अच्छा है, पर अगर इसमें राजनीति ना घुले और इसको हर कोई उसी तरीके से अपनाए जिस तरीके से इसे बोला जा रहा है, तो शायद हमारे देश का भविष्य और भी अच्छा होगा। आज अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।